गाइस अभी रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने 14 सितंबर को आईफोन के ऊपर जो आपको डील्स देखने के लिए मिलेंगी वो रिवील कर दी। जो बिग बिलियन डे सेल है वो 23 सितंबर से चालू हो जाएगी और आपको काफी सारे फोन्स पे डिस्काउंट देखने के लिए मिलने वाला है। जो मुझे सबसे अच्छी डील लगी वो है आईफोन 13 पर। आईफोन 13 एक बहुत ही ज्यादा कैपेबल डिवाइस है और अगर आपको वो 50,000 रुपए में देखने के लिए मिल जाता है तो वो काफी बड़ी बात हो जाती है। आईफोन 13 प्रो जो कि एक 1 लाख रुपए से ऊपर का डिवाइस है वो आपको अराउंड 85,000 का देखने के लिए मिलेगा, वो भी एक काफी अच्छी डील है। पर इन्हीं सारे डील्स के बीच में एक आईफोन 11 की भी डील है जो कि काफी ज्यादा आई कैची है। आईफोन 11 आपको कुछ 27,000 रुपए में आराम से बिग बिलियन डे सेल के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। और काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि अगर आपको इतने स्वीट स्पॉट पर एक आईफोन देखने के लिए मिल रहा है तो क्यों ना इसको परचेज कर लूं। पर मैं आपको अगर बिल्कुल सच्चाई बताऊं तो आपको इस आईफोन को 30,000 रुपए की रेंज में बिल्कुल भी परचेज नहीं करना चाहिए। ये आज के टाइम पर वैल्यू फॉर मनी नहीं है। सबसे पहले तो आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज ये है कि आपको आईफोन हमेशा वो लेना चाहिए जो कि अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है या फिर उससे एक जनरेशन पुराना। यानी कि अभी अगर 14 लॉन्च हुआ है तो या तो आप 14 को लीजिए या फिर 13 सीरीज में से कोई आईफोन पिक कर लीजिए। अगर आप 2 से 3 जनरेशन पीछे चले जाते हो तो वो बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं होता। अगर हम आईफोन 11 का एग्जांपल लें तो ये 2019 के अंदर लॉन्च हुआ था और अभी 2022 चल रहा है तो ऑलमोस्ट इसको 3 साल हो चुके हैं। और जब ये लॉन्च हुआ था मैं इसको तभी से यूज कर रहा हूँ। मैंने ये अराउंड 68,000 या 69,000 के आसपास खरीदा था और उस टाइम पर इसका ये प्राइस जस्टिफाइड था। पर आज 3 साल बाद इसका प्राइस लगभग आधा हो चुका है और फिर भी मैं इसको आपको खरीदने के लिए मना कर रहा हूँ। उसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं जो कि मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहली जो चीज है वो है बैटरी लाइफ। इसकी जो बैटरी लाइफ है ना वो आपको रुला देगी अगर आप एक हैवी यूजर हो। मैं आपको लिटरली बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। आपको काफी सारे यूट्यूबर सलाह दे रहे होंगे कि बहुत अच्छा डिवाइस है आप परचेज कर लीजिए, पर रियलिटी ये है कि आज के हिसाब से इसकी बैटरी लाइफ बहुत ही ज्यादा बेकार है। जब से लॉकडाउन हुआ है कोविड के टाइम्स के बाद हम लोग अपने स्क्रीन पर ज्यादा ही टाइम बिताते हैं और आज के टाइम से 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम काफी ज्यादा एवरेज है। और जो आईफोन 11 है ये आपको सिर्फ 4-4.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देने वाला है और यही रियलिटी है। इसका जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो हमेशा 5 घंटे के नीचे नीचे रहने वाला है तो ये आपको काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम दे सकता है। अगर आप एक बहुत ज्यादा हैवी यूजर हो तो हो सकता है आपको ये आईफोन दिन में 2 से 3 बार चार्ज करना पड़े। अगर मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एग्जाम्पल दूं तो मेरा आईफोन 11 अभी 86% बैटरी हेल्थ पर है और आज के टाइम पर ये मेरे को 3.5 से 4 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देता है, इससे ज़्यादा नहीं। ये काफ़ी कम है मेरे हिसाब से। मेरे को ये फ़ोन कम से कम दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ता है और कई कई बार 3 बार भी चार्ज करना पड़ जाता है। और अगर मैं किसी ट्रिप पर जाता हूँ जहाँ पर मुझे बहुत सारी वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी होती हैं, फोटोज़ क्लिक करनी होती हैं, तो वहाँ पर ऐसा भी हुआ है कई बार जब मुझे फ़ोन 4 बार तक चार्ज करना पड़ा है। तो आपको ये चीज़ जो है ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। अगर मैं फास्ट चार्जिंग की भी बात करूं तो इसके अंदर आपको 50-60 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने के लिए नहीं मिलती, सिर्फ 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। पर इसका फायदा ये है कि रेडमी की तरह फटता नहीं है। तो 18 वॉट का चार्जर आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। चार्जिंग के टाइम पे या फिर यूज करते टाइम आपको ओवरहीटिंग इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस मामले में फोन काफी अच्छा है। अगर आप लोगों का 30,000 रुपए का बजट है और इस बजट में आप कोई एंड्रॉयड फोन लेते हो तो डेफिनेटली उसके अंदर आपको 6, 7 या 8 घंटे तक का भी स्क्रीन टाइम देखने के लिए मिल सकता है, यानी आईफोन 11 से डबल। दूसरी चीज जो आप कंप्लीटली मिस कर देंगे अगर आप इस आईफोन को परचेज करते हो तो वो है 5G सर्विसेज। इंडिया के अंदर 5G सर्विसेज बहुत ही जल्दी आने वाली हैं और आईफोन 11 एक 4G डिवाइस है। इसी रीजन की वजह से एप्पल ने भी इसको अपने लाइनअप से डिसकंटिन्यू कर दिया है। आप इसको अमेजोन या फ्लिपकार्ट के थ्रू परचेज कर सकते हो पर एप्पल से आप इसको डायरेक्टली परचेज नहीं कर पाओगे क्योंकि ये मॉडल डिसकंटिन्यू हो चुका है। और इसको डिसकंटिन्यू करने का सबसे मेजर रीजन था 5G सर्विसेज। अगर आप आज के टाइम पे इस आईफोन को लेते हो और आप सोच रहे हो कि आप इसको 2, 3 या 4 साल तक यूज करोगे तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतने टाइम के अंदर इंडिया में 5G आ जाएगा और फिर आपको एक 5G फोन के ऊपर अपग्रेड करना पड़ेगा। तो जब 5G अराउंड द कॉर्नर है तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक 5G डिवाइस लो। अगर आप 30,000 रुपए खर्च कर रहे हो तो 30,000 रुपए के अंदर आपको काफी सारे 5G एंड्रॉयड डिवाइसेस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको एक डेफिनेटली 5G डिवाइस परचेज करना चाहिए अगर आप फ्यूचर में अपने फोन को बहुत लंबे टाइम तक यूज करने के लिए प्लान कर रहे हैं। देखिए काफी सारे लोग आपको ये बात बताएंगे नहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपका 40,000 रुपए तक का बजट है तो आपको एक आईफोन कभी भी परचेज नहीं करना चाहिए।
क्योंकि 40,000 रुपये के बजट में आपको इतने धांसू एंड्रॉयड फ़ोन देखने के लिए मिल जाएंगे जिनके अंदर सारी चीज़ें आपको आईफोन से बेटर देखने के लिए मिलेंगी। अगर आपका बजट 40,000 रुपये से ऊपर है तो डेफिनेटली आप आईफोन को परचेज़ कर सकते हो। अगर आप करंट सिनेरियो का भी एग्जांपल लोगे तो आपको 40,000 रुपये से ऊपर आईफोन 12 देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि डेफिनेटली एक अच्छा डिवाइस है। पर 40,000 रुपये के नीचे आपको जो आईफोन देखने के लिए मिलेंगे वो है आईफोन 11, आईफोन XR, आईफोन 12 मिनी और आईफोन SE। और इनमें से 2022 के अंदर मैं आपको कोई भी डिवाइस रिकमेंड नहीं करूँगा। 40,000 रुपये में अगर आप वन प्लस जैसे ब्रांड की तरफ जाते हो तो आपको ज़्यादा फीचर्स और अच्छे स्पेक्स देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप आईफोन 12 को परचेज कर सकते हो तो डेफिनेटली वो एक अच्छी चॉइस है, पर आईफोन 11 ना, इसको आपको परचेज नहीं करना चाहिए। जो अगला रीज़न है इसको परचेज ना करने का वो है इसकी डिस्प्ले। इसकी डिस्प्ले लिटरली बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है, और बहुत ही ज़्यादा से मेरा मतलब है बहुत ही ज़्यादा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले तो आप देख सकते हो इसके अंदर जो बेजल्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैं। आप लोग देख सकते हो बेजल्स की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है और जो नॉच का साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा है। चलिए, इन चीज़ों को कंज्यूमर एक टाइम को मैनेज भी कर लेगा, पर जिस चीज़ को आप मैनेज नहीं कर सकते वो है डिस्प्ले का रेजोल्यूशन। इस डिस्प्ले के अंदर आपको 720p का पैनल देखने के लिए मिलता है, यानी कि आप सिर्फ HD कंटेंट को स्ट्रीम कर सकते हो। आप यूट्यूब पर और प्राइम वीडियो पर फुल HD कंटेंट को नहीं देख सकते क्योंकि डिस्प्ले उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा। इसका रेजोल्यूशन काफ़ी कम है और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पिक्सल्स को भी जो है नोटिस कर सकते हो। जो इसके व्यूइंग एंगल्स हैं वो भी कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है वो तो काफ़ी कम है ही, साथ ही में ये एक LCD डिस्प्ले है। आज के टाइम पर हमको 13-14 हज़ार रुपये के फ़ोन में AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, और इस आईफोन के अंदर हम लोगों को LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिल रही है। जब इस फ़ोन के ऊपर मैंने शिफ्ट किया था तो मैंने OnePlus 7 से शिफ्ट किया था, जिसके अंदर एक AMOLED डिस्प्ले आती है जिसकी क्लैरिटी लिटरली बहुत अच्छी थी। और जब मैंने उस डिवाइस से इस डिवाइस पर शिफ्ट किया था तो मुझे डेफिनेटली काफ़ी फ़र्क दिखा था। AMOLED डिस्प्ले की जो सेचुरेशन है, जो कलर्स हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं, वो आपको आईफोन 11 में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इस डिस्प्ले के अंदर बहुत सारे डाउनसाइड्स हैं। सबसे पहला डाउनसाइड, ये सिर्फ HD है। दूसरा डाउनसाइड, ये एक LCD पैनल है। और तीसरा डाउनसाइड, इसके अंदर आपको 60 Hz देखने के लिए मिलता है। अगर आप एक एंड्रॉयड डिवाइस लेते हो तो उसके अंदर आपको 90 Hz या इवन 120 Hz देखने के लिए मिलेगा। तो डिस्प्ले के हिसाब से ये आईफोन बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है। देखिए, अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। परफॉर्मेंस वाइज इस फ़ोन के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसके अंदर A13 बायोनिक चिपसेट है, और जो लेटेस्ट फ़ोन आया है उसके अंदर A16 बायोनिक चिपसेट है। तो जो इसका चिपसेट है वो काफ़ी अच्छा है। आज के टाइम में भी एंड्रॉयड से बेटर रैम मैनेजमेंट है। गेमिंग करते वक्त या फिर ऐप्स को ओपन करते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ़ोन कहीं पर भी हैंग नहीं होता है और ना ही कहीं पर भी स्क्रीन फ्रीज हुआ। तो इस मामले में तो डेफिनेटली ये आईफोन आज के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है। अगर मैं बात करूँ इस आईफोन के कैमरा के बारे में तो इस आईफोन के अंदर आपको 12 MP कैमरा का सेटअप देखने के लिए मिलता है। पीछे की तरफ आपको दो कैमरा देखने के लिए मिलते हैं और दोनों ही 12 MP हैं। एक है मेन लेंस और दूसरा है अल्ट्रा वाइड। ये पहली सीरीज थी आईफोन की जिसके अंदर आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने के लिए मिलता था। तो जो इसका अल्ट्रा वाइड लेंस है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, पर जो डिटेल्स हैं वो इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी आज के टाइम पे आपको एंड्रॉयड फ़ोन में देखने के लिए मिल रही है। जो मेन लेंस है इसका वो काफ़ी अच्छा है, उससे फ़ोटोज़ काफ़ी क्लियर और क्रिस्प आती हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर अगर आप सिर्फ कैमरा के लिए फ़ोन ले रहे हो तो आज के टाइम पर वीवो ने काफ़ी इम्प्रूव किया है, और वीवो के कुछ फ़ोन्स के अंदर आपको इस फ़ोन से बेटर कैमरा क्वालिटी देखने के लिए मिल सकती है। पर जब हम बात करते हैं वीडियो क्वालिटी की, तो वीडियो क्वालिटी इस आईफोन की अनमैचेबल है। इससे आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वीडियो बना सकते हो और आप व्लॉग्स भी शूट कर सकते हो। अगर आप करना चाहो तो आपको कोई भी जो है यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन कुछ लोगों ने आईफोन 11 से शॉर्ट मूवीज तक जो है शूट करी है। तो वीडियो डिपार्टमेंट के अंदर तो इस फ़ोन का कोई भी मैच नहीं है। आज के टाइम पर भी ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। सेल्फी इस फ़ोन की कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आपको 12 MP का सेंसर देखने के लिए मिलता है। फिर भी जो मिड रेंज फ़ोन है आज के टाइम के, उनसे बेटर सेल्फी आपको ये फ़ोन निकाल के दे देंगे। देखिए, अगर आप आज के टाइम पे इस फ़ोन को परचेज कर रहे हो तो जो मेन लेंस है वो काफ़ी अच्छा है, पर अल्ट्रा वाइड लेंस 2022 के हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। अगर आप 40,000 रुपये के अंदर कोई एंड्रॉयड फ़ोन लेते हो तो आपको उनके अंदर इससे बेटर कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि वीडियो क्वालिटी आईफोन 11 की काफ़ी अच्छी है, पर अगर आपको सिर्फ कैमरा से मतलब है, फ़ोटोज़ क्लिक करनी है, तो इससे बेटर कैमरा आपको 40,000 रुपये के बजट में किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। देखिए, जो इनहैंड फील है एप्पल की वो काफ़ी अच्छी है। नो डाउट, जो इनहैंड फीलिंग होती है वो काफ़ी प्रीमियम होती है, पर सिर्फ प्रो डिवाइसेस की। अगर आप कभी एप्पल स्टोर गए हो तो आप जरूर नोटिस कीजिएगा
जब आप प्रो मॉडल को हाथ में पकड़ोगे और नॉर्मल मॉडल को अपने हाथ में पकड़ोगे तो आपको काफ़ी डिफरेंस दिखने के लिए मिलेगा। उसका रीज़न है इसकी क्वालिटी। आईफोन 11 के अंदर आपको एल्युमिनियम फ्रेम देखने के लिए मिलता है और जो प्रो मॉडल्स हैं उनके अंदर आपको स्टेनलेस स्टील देखने के लिए मिलेगा। तो जो प्रो मॉडल्स हैं वो पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं और आईफोन 11 इतना प्रीमियम नहीं लगता। देखिए, अब मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ। अगर मेरे पास आज के टाइम पे 30,000 रुपये होते तो मैं आईफोन 11 को बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करता। मैं 30,000 रुपये के अंदर कोई अच्छा सा एक एंड्रॉयड फ़ोन ले लेता। उसके अंदर मुझे फ्रीडम भी ज़्यादा मिलती, कैमरा भी अच्छा होता, बैटरी बैकअप भी अच्छा होता, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मुझे अच्छी देखने के लिए मिल जाती। सिर्फ वीडियो डिपार्टमेंट में ये फ़ोन आगे है, पर एक दो चीज़ के अंदर हम जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको आईफोन ही परचेज करना है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप 10,000 रुपये थोड़ा ज़्यादा डालिए और आप आईफोन 12 की तरफ जाइए। आईफोन 12 एक बेटर ऑप्शन है और वो आपका साथ ज़्यादा लंबे टाइम तक देगा। उसके अंदर आपको बैटरी बैकअप भी इम्प्रूव मिलेगा, कैमरा भी इम्प्रूव मिलेंगे और जो डिस्प्ले है उसके अंदर एक काफ़ी बड़ा जंप देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आईफोन 12 के अंदर आपको XDR डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है जो कि बेसिकली एक AMOLED डिस्प्ले है और इसके अंदर LCD डिस्प्ले है। तो 10,000 रुपये के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप 10,000 रुपये ज़्यादा स्पेंड करते हो आईफोन 12 के ऊपर तो आपको एक अच्छी डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, 5G सर्विसेज देखने के लिए मिलेंगी और बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलेगा। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप आईफोन 12 परचेज कीजिए अगर आपका बजट बैठता है तो, और अगर आपका बजट सिर्फ 30,000 रुपये का ही है तो आप आईफोन 11 को परचेज़ बिल्कुल भी मत कीजिए। इस प्राइस रेंज में आप एक अच्छा सा एंड्रॉयड फ़ोन ले लीजिए। तो दोस्तों, इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे टेकी, स्टे कनेक्टेड।